हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डू एन अमेज़न हॉल टाइटल। से तो आपको पता चल ही गया होगा, दिवाली आ रही है और शॉपिंग ना की जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, और मैंने शॉपिंग थोड़ी सी कर ली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स जस्ट ओपन दिस ऑल पैकेजेस टुगेदर। हियर इज द दीवान सेट फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सलोना बिछौना, एंड इट इज 100% कॉटन दीवान सेट। सारी चीजों के प्राइस और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन पे दे दूंगी। और हियर इज द फर्स्ट थिंग, आई लाइक द कलर एंड द प्रिंट। मैंने मम्मा से पूछ के लिया था, हमारा जो मतलब सोफा वगैरह जो है वो उसके साथ मैचिंग का ये दीवान सेट हमने लिया है। एंड हियर इज द अनदर टू कुशन कवर, एंड दिस इज तकिए के कवर, वो होते हैं ना जो लंबे गोल वाले, वो तकिए के कवर। ये वाइट है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और हियर इज द चद्दर बेडशीट, सिंगल बेडशीट दीवान सेट जो होता है वो, इसका बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिच फील आ रहा है कॉटन, और हम सबको घर में कॉटन ही पसंद है सबसे ज्यादा। Let's open the second and so here is the second bichona set, divan set. इसमें भी दो cushion covers हैं ऐसे, दो नहीं sorry तीन cushion cover हैं। अरे चार है इसमें, दो अरे five cushion covers, मुझे लगा तीन वाला set मंगाया था मैंने। और ये जो गोल तकिए के कवर होते हैं वो, ये थोड़ा सा मुझे अलग तरह का लग रहा है, फील भी उसका पूरा कॉटन नहीं है बट बहुत अच्छा है, पॉलिस्टर मिक्स लग रहा है मुझे इसमें, बट आई लव द कलर। Let's open the third package. Hey! 4x5 के कर्टन, ये विंडो कर्टन है, शीयर कर्टन मैंने मंगाए थे, मुझे याद आ गया। प्योर व्हाइट कलर में है ये, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शीयर कर्टन मंगवाए थे मैंने व्हाइट कलर में, बहुत ही अच्छे हैं। और आई थिंक ये 898 और 99 रुपीज का था, और मैंने दो मंगवाए थे ऐसे, दूसरा ये रहा। सो हियर इज अनदर पैकेज, एंड आई कैन फील दिस इज ऑल्सो अ कर्टन और बेडशीट टू। Yes, it is a curtain, and this is from brand called Urban Swiss. ये भी मैंने बहुत अच्छे से रिव्यू वीव्यू पढ़ के मंगाए हैं, और इसके भी मैंने विंडो और डोर के सेट मंगाए हैं, बहुत ही अच्छा है। कलर इज डिफरेंट, कलर थोड़ा सा अलग है, ये विंडो के हैं, इसमें ये भी लिखा हुआ है, एक और पैकेज है इसमें लिखा हुआ है कि इसका साइज क्या है, और ये विंडो के हैं, ये कंफर्टर है, कर्टन है, बेडशीट है या दोहर है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये भी कर्टन है, बहुत ही प्यारे हैं, इनका प्रिंट और फील बहुत ही अच्छा है, और ये कॉटन पॉलिएस्टर मिक्स लग रहा है। एक चीज है जो मुझे लग रहा है टूट ना गई हो, क्योंकि उसमें से ऐसी आवाज आ रही है, तो ओपन करते हैं।
ये एक टचअप स्प्रे पेंट है और ब्रांड का नाम ही टचअप है और मुझे ये चाहिए था। हमारा जो कॉफी टेबल या सेंटर टेबल आप कह सकते हो वो है, उसको पॉलिश की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, तो हम बाहर से पॉलिश नहीं करवाना चाहते थे, मैं थोड़ा सा DIY करना चाहती थी, तो मैंने ये टचअप ब्रांड का स्प्रे पेंट मंगवाया है एंड दिस इज इन कलर 29 मिशन ब्राउन। सो इसका भी मैं आपको जरूर से एक रिव्यू या कुछ भी जो होता है वो दूंगी, कुछ भी क्या रिव्यू दूंगी मैं आपको एक इसका छोटा सा कि कैसे काम किया है। एक और डब्बा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, टाइड रिबन्स, आई नो व्हाट इज दिस, ये भी एक डेकोरेटिव ही चीज है। एक टी लाइट कैंडल मुझे नजर आ रही है, मैं दिखाती हूँ आपको, और साथ में मुझे नजर आ रहा है ये डेकोरेटिव पीस लेजेंड, ये बहुत से लोगों ने लिया है, मैंने बहुत ही देखा है यूट्यूब पे सबको ये यूज करते हुए और मुझे भी एक चाहिए था। मैंने दो का सेट मंगवाया है, ये एक है येलो कलर में और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको बोलूँगी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है, आप ये देख सकते हो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। और ये नीचे यहाँ पे ग्लास है और आप इसको आई थिंक नीचे से ओपन, और ये ओपन हो जाएगा और आप इसमें जो साथ में इसमें टी लाइट कैंडल भी आई है एक, उसको आप रख सकते हो, इसको टी लाइट आप इसको ऐसे रखोगे और फिर इसको, दैट्स इट, हो गया, बहुत ही अच्छा। मैं आपको ये सब कुछ लाइट अप करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है। और ऐसे दो हैं, मैं आपको दूसरा कलर भी दिखाना चाहूंगी इसका, दो का सेट मंगवाया था मैंने, मैं पहले से ही सारे डब्बे खोल के रख दूँ पर ऐसा हो नहीं सकता। ओ इसमें बीच में पॉलीपैक नहीं है, इसमें था, इसमें नहीं है, ऐसा क्यों भाई? वाओ व्हाट अ कलर, ये कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी, ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत जल्दी इसको मेरे बैकग्राउंड में रखने वाली हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ भी एक टी लाइट कैंडल है जो हमने ऑलरेडी देख ली है, तो मैं इसको फिर से अभी नहीं खोलने वाली हूँ। क्या लिस्ट है, प्लांटर्स, दो का सेट है ये और बहुत ही अच्छा प्लांटर है, मैंने सोचा था वैसा चटक गोल्ड नहीं आया है, ये थोड़ा ब्राउन ज्यादा लग रहा है, गोल्ड मतलब ब्राउन टोन गोल्ड लग रहा है, एक्चुअली ये गोल्ड नहीं लग रहा, सोच नहीं सकते, पूरा खलारा हो गया है यहाँ पे। ओके ओके ओके, ये भी मुझे पता है कि ये क्या है, एंटी स्लिप मैट है ये आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, आप वॉटर में आपके प्लेस कर सकते हो, किचन में प्लेस कर सकते हो, फ्रिज में प्लेस कर सकते हो, और ये एंटी स्किड है और साथ में लॉन्ग लास्टिंग है, एंटी बैक्टीरियल है, पेपर मैट कहते हैं इसको, और इजी टू कट, आप इसको कट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सो ये भी बहुत अच्छा है, देखते हैं ये कैसा रहता है। तो, मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा बड़ा सिलर लेके बैठना चाहिए, यस ये इसको तो मैं अभी ऐसा मिलता अभी रखने वाली हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा है। सो ये निकला है इसमें से, इस पैकेज में से, ये टेबल का टॉप, टेबल टॉप और साथ में थ्री लेग्स आर देयर एंड यू कैन असेंबल दिस लाइक दिस, ओके, इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी लाइट वेट बट स्टडी है और इतना प्राइसी भी नहीं है ये, सो यू कैन यूज दिस। एक और डब्बा मुझे नजर आ रहा है जो थोड़ा सा चिप गया है, पता नहीं अब इसमें क्या है, आई होप टूट फूट ना गया हो जो इसमें है। Here is the one, another decorative piece, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे जो फोटोज में दिखा वैसा ही है, आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कर सकते हो, पर ये जो फ्लावर्स है ना आप देखो, ये फ्लावर्स है ना जो वो मुड़ गए हैं, थोड़े से पीछे गए हैं ऐसे करके, आई थिंक मैं इसको सेट कर लूँ। तो ये है होम डेकोर LED लाइट्स फ्रॉम देसी दिया और इसके भी रिव्यूज मैंने पढ़े थे काफी अच्छे थे, अब इसको देखते हैं कैसे निकल रही है ये। तो कुछ इस तरह का है ये, एक गुच्छा सा मिल रहा है आपको और साथ में
इस तरह का एक डब्बा है, ये बैटरी ऑपरेटेड है और इस पे लिखा हुआ है कि किस किस तरह से फ्लैश करेगी, जलेगी। एक होता है ना आपको फेडेड चाहिए या फिर स्टेडी चाहिए, ट्विंकल फ्लैश चाहिए या स्लो ग्लो चाहिए, इस तरह से। और साथ में एक एक छोटू सा रिमोट भी है जिसमें ऑन ऑफ टाइमर 1 2 3 4 5 मोड डीम हाइट सब दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे डिस्क्रिप्शन से, तो इसके इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से दिया है इन्होंने। इसमें है टी लाइट कैंडल्स, बट कैंडल्स नहीं है ये ऑटोमेटिक है जो जल जाती है ऐसे। इसका एक ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छी लाइट है इसकी। हाँ बहुत ही अच्छी लाइट है, इसमें एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, इसको ऐसे आपको ऑन और ऐसे ऑफ करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लाइट आ रहा है जबकि लाइट ऑन है रूम की। और ये देखिए रात में बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये मैं मतलब दिया की जगह पे इसको ही लाइट अप करने वाली हूँ। बहुत ही कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है इससे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये सेट है आई थिंक 12 या 24 का सेट है। एक ये पैकेट ये है और एक और पैकेट है इसका ये वाला, और उसमें भी इसी तरह की हैं। मैंने सारी जलाई नहीं है, आई थिंक सारी जला के देखनी पड़ेगी मुझे कि सारी ठीक है कि नहीं। और ये रीयूजेबल नहीं है, मतलब आप इसमें बैटरी चेंज नहीं कर सकते हो, एक बार अगर ऑफ हो गई बंद हो गई ये तो फिर गई, बट देखते हैं कब तक चलती है। और जो चीज़ है उसको भी ओपन करके देख ही लेते हैं।
अब देखते हैं इस डब्बे में क्या है। This is it for today's videos, guys. I hope you will like this video and enjoy this video as much as I enjoyed this video. Please, please, please like, share and subscribe to my channel. Till then, bye and we will meet in another brand new video very soon.